नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार MBBS फ्रॉम चिराई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ABC ऑफ डायबिटीज, यानी कि आपको डायबिटीज है तो आपको तीन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। ABC, ए है आपका HbA1c, यानी कि यह आपका बताता है 3 महीने की एवरेज शुगर। बी का मतलब है आपका ब्लड प्रेशर और सी का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ए का मतलब है HbA1c, यदि आप शुगर के पेशेंट है, आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपकी शुगर बढ़ी रहती है, आप डेली डेली तो चेक करते नहीं होंगे। इस वजह से क्या होता है कि आप इसका एक एवरेज भी निकाल सकते हैं, वो 3 महीने के एवरेज को अपन बोलते हैं HbA1c। यदि आपका HbA1c 6.5 यानी कि 6.5 से ज्यादा है तो आपको शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपको कंट्रोल करने के लिए इसको 6.5 से हमेशा नीचे रखना है। तो आप टारगेट करें कि आपका HbA1c 6.5 से या 7 से कम रहे। दूसरा, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें और ये ब्लड प्रेशर आपका 140/90 यानी कि सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90, इट शुड बी लेस देन 140/90। आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से कम होना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो डायबिटीज में पूरी बॉडी के ऑर्गन सारे अफेक्ट होते हैं, यदि ब्लड प्रेशर है तो वो ज्यादा अफेक्ट होंगे। ब्लड प्रेशर से आपके हार्ट पर भी लोड आएगा, आपके दिमाग की नसें भी फट सकती है, यानी कि आपको लकवा भी आ सकता है, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें। सी का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता है, इस वजह से वहां पे लिपिड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, तो लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल को चेक करना है और कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है। दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल था, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखें, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसको आप 40 या 50 से हमेशा ज्यादा रखें। तो ये आपको तीन चीजें चेक करवाते रहना है। ए मतलब HbA1c 3 महीनों का एवरेज शुगर बताएगा, बी मतलब ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखना है, और सी मतलब कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको हमेशा पूरा चेक करवाता रहना। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपकी लिपिड की प्रोफाइल होती है, वो पूरी चेक करवाएं और उसको अपने कंट्रोल में रखें। आपके डाइट चेंज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल में भी कंट्रोल।